वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करो, घंटे का आइकन दबाओ और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं अमन। आप देख रहे हैं बाइक मोटर। फाइनली अरेंज करा यार स्टील बर्ड HF, जो कि लाया बुलेट वाला निक्स, जो कि कैमरे के पीछे है और गिम्बल से शूट हो रहा है। अगर आपने अभी तक गिम्बल की रिव्यू नहीं देखा तो यार जाके देख लो। और ये वीडियो गिम्बल पे शूट करने का मोटिव ही यही था कि मैं दिखाना चाहता था स्टेबलाइजेशन किस तरीके की आ रही है, कैसा जो है गिम्बल है। उसके अलावा इस शॉप की वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, जाके देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम करेंगे भाई स्टील बर्ड HF का रिव्यू, और पहले मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके का जो हेलमेट हमको यहाँ मिल जाता है। उसके बाद बताऊंगा भाई मैं आपको इसके प्रॉन्स, उसके बाद बताऊंगा कॉन्स, क्योंकि मेरी ही वीडियो मैंने देखी कि मैं उसकी अच्छाई भी बताता हूँ और बुराई भी बताता हूँ। वीडियो के साथ बने रहे, क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं 2500 रुपीज, या आप इस वीडियो को खत्म होने से पहले जान जाएंगे। तो ये रहा माइक, ये रहा माइक, मैं माइक लेके जा रहा हूँ हेलमेट के अंदर, सो यू कैन हेयर। अभी मैं राइट स्पीकर के पास रखा हुआ है और साउंड मेरे फ़ोन से फुल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। NCS का गाना प्ले हो रहा है और रिकॉर्डिंग चल रही है। अब लेफ्ट स्पीकर पर है, बंद कर दो। सबसे पहली बात करते हैं भाई इसकी, ये जो है 3.5 mm की हमको ऑक्स मिल जाती है इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी ने खुद से ही प्रोवाइड कर दिया। उसके अलावा हमको मिल जाता है भाई क्लिप इसके अंदर, ताकि ये ऑक्स बाइक चलाते टाइम, स्कूटी चलाते टाइम यहाँ वहाँ ना भागे। उसके अलावा हेलमेट की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले हेलमेट की बात करते टाइम तो भाई हेलमेट के लुक्स जो हैं सेम एज स्टील बर्ड एयर वन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। सेम कोई बाहर से देख के आपको नहीं कह सकता कि आप HF लेके घूम रहे हैं, तो सेम स्टील बर्ड एयर वाले लुक्स हमको यहाँ मिलते हैं। जहाँ पर हमको मिल जाता है एक वेंट फॉर इनटेक, एक वेंट फॉर आउटफ्लो, एंड हमको मिल जाता है ये क्विक रिलीज वाला वाइजर, जो कि नॉट सो क्विक रिलीज है बट क्विक रिलीज है, क्योंकि इसको ऐसे खींचने के बाद हमको इसके अंदर चाबी फंसा कर इसको ऐसे निकालनी। मैंने स्टील बर्ड एयर वन को एक साल से ज़्यादा यूज़ करा है, आई नो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या नहीं है इसके साथ। सो अगर उसका रिव्यू देखना होगा वन का, तो भाई यहाँ आई बटन में से जाके देख लेना और लाइक करना वीडियो को यहाँ से। इस वीडियो में वैसे मैं सब कुछ कवर करने ही वाला हूँ। यहाँ आपको मिल जाता है सामने की तरफ ये एयर फ्लो के लिए। अब मैं इसमें एक खास चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि मेरे को आज तक किसी और हेलमेट में नहीं मिली, और इस हेलमेट में मेरे को बहुत पसंद थी। जो एयर फ्लो यहाँ से जाती है वो यहाँ से सीधा हमारे वाइजर के फ्रंट पे पड़ती है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, जब आप शीशा बंद करके ठंड में राइड कर रहे हो तो यार फोग कभी भी, ये हेलमेट मैं एक साल से ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, फोग कभी कट्ठी नहीं हुई, ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी थी। अगेन मेरे को स्टील बर्ड की पैडिंग काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर अगर मैं इसको रोशनी की तरफ घुमा लेता हूँ, जैसा कि यहाँ रोशनी का पूरा बंदोबस्त हो रखा है मेरे लिए, तो यहाँ पर जो पैडिंग है काफ़ी अच्छी है स्टील बर्ड की, मेरे को शुरू से पसंद है। उसके अलावा मैं आपको अब अंदर से हेलमेट दिखाता हूँ। यहाँ पर जो पैडिंग है, ये पैडिंग यहाँ पर हमको लेदर फिनिश में मिल जाती है, जो कि प्योर लेदर नहीं है, और यहाँ पर हमको फोम की पैडिंग मिल जाती है। यहाँ हमको मिल जाता है क्विक रिलीज वाला चेन स्ट्रैप, जैसा कि आप देख सकते हैं। नॉर्मल सेम जो स्टील बर्ड एयर वन में आते थी, बस वही है। यहाँ पर एक पाउच एड ऑन हो गया है, जो कि हमारा ऑक्स केबल को संभाल के रखने के लिए फ़ायदेमंद है। अब इसको थोड़ी सी और रोशनी में लेके जाते हैं, ताकि आप अंदर की तरफ देख सकें इसके अंदर क्या है। तो अंदर की तरफ है, इसके अंदर मैश यूज़ करी गई है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। और हेलमेट जो है शेल की अगर मैं बात करूं, तो यार मैंने उस अपना जो यही सेम हेलमेट है, मैंने उस पर कस्टम मेड पेंट भी किया था, तो उसकी वीडियो अब आई बटन में आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। तो एक बार एक्सीडेंट में यहाँ पर होल हो गया था, थैंक गॉड वो हेलमेट मैंने पहन नहीं रखा था, वो मेरे लेग गार्ड पे था, एक स्प्लेंडर वाले ने टक्कर मारी थी, तो यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा होल हो गया था, जो कि मैंने MCL से फिलअप करने के बाद अपना हेलमेट पेंट करा। तो यार शेल की जो क्वालिटी है, मेरे को फ्रैंकली, मैं शिफ्टर यूज़ करता हूँ, स्टड शिफ्टर, उसकी शेल की क्वालिटी इससे जो है थोड़ी बेहतर है, इसकी मेरे को पर्सनली उतनी बेहतर नहीं लगी थी। तो यही था इसके बारे में। अब मैं इसके प्रोस के बात करूँगा और कॉन्स के बात करूँगा, तो फटाफट कवर अप करते हैं उस चीज़ को। तो भाई पहला प्रो है इसका ये स्मोक वाइज़र, जो कि एक कॉन भी है, क्योंकि भाई डे टाइम में तो आपको ये बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देता है, पर रात को वही भाई शीशा खोल के चलाना पड़ता है और आँखों में मिट्टी जाती जाती है। सेकेंड जो इसका प्लस फैक्टर है वो है भाई इसका ये जो यहाँ पर दे रखा है एयर फ्लो के लिए, वो बिल्कुल भी फॉग इकट्ठी नहीं होने देता इसके ऊपर, और वाइज़र हमारा वाइट होता ही नहीं है, मैं एक साल से ऊपर इसको यूज़ कर चुका हूँ।
थर्ड जो इसका प्लस पॉइंट है जो कि मैं हर हेलमेट में गिनी देता हूँ यार, क्योंकि मेरे को ये क्विक चेन रिलीज स्ट्रैप काफ़ी पसंद है, तो इसका थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर रिमूवेबल पैडिंग देखने को मिल जाती है, तो अगर ये पैडिंग गंदी हो जाती है तो आप इसको रिमूव करके आराम से वॉश करके अगेन वापस फिट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है कि जो इसका एयर फ्लो है नॉट सो गुड, अगर एयर फ्लो कंपेयर करोगे तो स्टील बड SBA 2 का एयर फ्लो इससे ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो ओपनिंग है थोड़ी छोटी है, बट देन टू अंदर घुटन नहीं होने देता हेलमेट के, तो इसको मैं एक अप प्रो इसका पॉजिटिव पॉइंट लेके चलूंगा। आउटफ्लो भी डिसेंट है, कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता बट डिसेंट है। साथ साथ आपको गिम्बल की स्टेबलाइजेशन भी पता चल रही होगी, तो यार गिम्बल की वीडियो भी देख लेना जाते जाते आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन से। उसके बाद इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो इसका है वो ये है कि भाई इसके साथ जो हमको ये ऑक्स केबल मिलती है भाई, ये 4 पिन की है, और जनरली जैसे मैं अभी ऑटोमोबाइल शॉप में ही खड़ा हूँ तो मैंने इनसे ऑक्स केबल मांगी और इनके पास यही अवेलेबल है, क्योंकि यही वाले जनरली लोग कार में लेते हैं और भाई कार में उनको खाली गाने चलाने होते हैं, तो अब इस पे गाने ही चल सकते हैं। अगर मैं इसमें भी कनेक्ट करूं आप कॉल पिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें माइक का ऑप्शन जो है नहीं आता। सेम आप इसको यहीं कंपेयर कर सकते हैं कि आपका अगर ये ऑक्स केबल ख़राब होता है तो आपको ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। सेकंड इसका नेगेटिव पॉइंट है कि भाई जो ये डिज़ाइन है वो यार सेम स्टील बड एयर 1 वाले डिज़ाइन है, तो बाहर से देख के कोई नहीं बता सकता कि आप भाई HF लेके घूम रहे हो या स्टील बड एयर 1 लेके घूम रहे हो। कोई ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलती है यहाँ पर, और यहाँ जो स्टील बड ने कॉस्ट कटिंग करी है हमारे साथ, तो भाई वो कुछ ना कुछ जो है हमको प्रोवाइड करा सकती थी डिस्काउंट में, या फिर इसका जो है मार्जिन कम रख सकती थी या कुछ भी कर सकती थी। 2500 जो है वो वर्थ नहीं करते लुक्स को लेके, क्योंकि भाई सेम वही पुराना डिज़ाइन है, R&D पे कोई पैसा खर्च नहीं करा गया, तो भाई पैसे किस चीज़ के। उसके अलावा इसका जो थर्ड नेगेटिव पॉइंट है कि भाई इसकी जो पैडिंग है, हाँ पैडिंग की क्वालिटी अच्छी है, बट 2500 के हेलमेट में एक स्नग फिट हेलमेट हमको मिल सकता था इजीली, जैसा कि स्टड ने अपने थंडर में प्रोवाइड करी है, बट थंडर में हेडफोन्स नहीं मिलते मैं मानता हूँ, बट उसने थंडर में हमको स्नग फिट एक हेलमेट वाली फील प्रोवाइड करी है, तो यार वो मिल सकती थी। जहाँ की स्टड शिफ्टर में भी एक स्नग फिट हेलमेट देता है सिर्फ 1600 रुपये में, वो भी ग्राफिक्स वाला मॉडल, तो स्टील बड भी ये चीज़ कर सकता था बट उसने नहीं करी। ये पैडिंग थोड़े टाइम में जब आप गर्मी में यूज़ करेंगे, जब आपके फेस पे काफ़ी पसीना आएगा, तो ये पैडिंग धीरे धीरे चिपकती जाती है और हेलमेट झूलने लगेगा थोड़े टाइम में, 1 साल का एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है कि जब आप चलते वक्त इसको खोलने की कोशिश करोगे तो आपको दूसरा हाथ यूज़ करना ही पड़ेगा, या आपके पास ऑप्शन है रेड लाइट पे खोलने का, जैसे अभी भाई ने हाथ लगाया तो अब जाके खुला है। अगर ये इन बिटवीन है तो आप इजीली खोल सकते हो हाथ फंसा के ऐसे करके, बट एक बार ये यहाँ जाके लॉक हो गया तो उसके बाद भाई खोलना जो है आसान नहीं है इसका। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट की मैं इसके साथ बात करता हूँ कि ये क्विक रिलीज़ दिया गया है बट ये नॉट सो क्विक रिलीज़ है। अगेन वाइजर तो आपकी चॉइस है, आप वाइट लें या ब्लैक लें, बट ये क्विक रिलीज उतना अच्छा कोई क्विक रिलीज का काम करता नहीं है। नेक्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये जो हेडफोन वाली यहाँ पर कटिंग दी गई है, भाई इसको और प्रॉपरली जो है फिट करा जा सकता था, इस चीज़ को हाइड करा जा सकता था, क्योंकि सिंगल स्विच है यहाँ पर, तो भाई ये चीज़ ढंग से स्टील बड ने हाइड नहीं करी है, एज इट इज़ छोड़ दिया है, जैसा बन गया भाई दे दो कस्टमर को, दे दो कस्टमर तो ले ही लेगा। उसके अलावा जो है इसके अंदर जो हेडफोन्स हमको मिलते हैं, भाई मैंने एक वीडियो बनाई है आई बटन में जाके जरूर देखना, मैंने अपने स्टील बड एयर 1 में ब्लूटूथ हेडफोन्स फिट करे थे, जो कि मैंने एक ब्लूटूथ डिवाइस अलग से लिया था और एक हेडफोन लिए थे जिसकी कॉस्टिंग मेरे को खाली 400 रुपये आई थी। तो जहां फ्लिपकार्ट पे सेम स्टील बड एयर 1 हेलमेट हमको 1300 रुपये का मिल रहा है, तो क्या 2500 रुपये का हेलमेट ये वर्थ करता है? क्या आप 1200 रुपये खाली एक हेडफोन के लिए देना पसंद करेंगे? ऑल दो कि वाटरप्रूफ हमको मिल जाता है, यूनिट जो अंदर का है वो पूरा वाटरप्रूफ है, आप हेलमेट डुबो दोगे तो भी वो वाटरप्रूफ है, वो वर्क करेगा, बट क्या 1200 रुपये वर्थ है उस चीज़ के लिए? क्या ये हेलमेट पुराने डिज़ाइन के साथ वर्थ करता है? अगेन नेगेटिव पॉइंट बात करते करते, ये स्टील बड के जो स्टिकर है ये थर्ड क्लास स्टिकर है भाई, यहाँ पे H हट चुका है, H हटने वाला है, और ये स्टिकर में कोई 3D नहीं है, अगर मैं अभी नाखून मारूँ तो S बाहर आ जाएगा, T बाहर आ जाएगा। अब ये भाई का हेलमेट है तो मैं करके नहीं दिखाना चाहता, भाई गालियाँ देंगे मेरे को। और पीछे की तरफ भी सेम तरीके का यहाँ स्टील बड मिलता है जो कि कभी भी हट सकता है भाई, कभी भी। ये देखो T ऑलमोस्ट हट गया यहाँ से, और ये HF अभी तक बचा हुआ है यहाँ पर, ये T का आधा जा चुका है आप देख सकते हैं, और ये भी थोड़ा थर्ड क्लास प्रिंटिंग करी गई है ISI की।
तो भाई कॉस्ट कटिंग अगर हर जगह करने के बाद 2500 रुपए का हेलमेट स्टील बट दे रहा है पुराने मॉडल के साथ, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई मत लो, गो फॉर स्टड थंडर, गो फॉर SBA 2, क्योंकि SBA 2 का एयर फ्लो जब चलता है, आप वेंट्स ओपन करेंगे यू कैन लिटरली फील इट कि SBA 2 का एयर फ्लो चल रहा है। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सेम डिज़ाइन चाहिए आपको तो गो फॉर SBA 1, उसका एयर फ्लो काफ़ी प्यारा है। हेडफोन्स के लिए अगर आप ये ले रहे हो तो मत लो भाई, बाय अनदर हेलमेट, कोई भी हेलमेट लो। और इंटरकॉम आजकल आ जाते हैं 2000 से लेके 2500 रुपए तक, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको इंटरकॉम अवेलेबल हो जाएगा, तो आप आकर यहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो इंटरकॉम लो यार, वो ज़्यादा बेटर है, आप 3-4 लोग कनेक्ट कर पाओगे, उसके बाद गाने सुन सकते हो। और उसकी जो साउंड क्वालिटी है इससे थोड़ी ऊपर की है, अभी साउंड क्वालिटी टेस्ट आप ऑलरेडी सुन चुके हो तो आपको पता है कैसी साउंड क्वालिटी आ रही है। अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जिसको लगता है कि भाई हाँ ये जो है 2500 रुपये वर्थ नहीं करता तो भाई वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिसको लगता है यार मैं ऐसे ही वीडियो बना के चला गया हूँ तो भाई डिसलाइक भी कर सकते हो। और जो नए लोग जुड़े हैं यार मेरे साथ वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहती है। आज ये मेरी 5th वीडियो थी भाई, और अभी टाइम हो रहा है भाई 6-7 बजने वाले हैं, और ये वीडियो बस लास्ट वाली थी, एंड कर दिया है। तो सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, और अगेन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता के जाना वर्थ है या नहीं है, एटलीस्ट मेरे को पता चले स्टील बर्ड ने ये जो नॉर्मल डिज़ाइन के साथ लुक्स निकाल दिए और 2500 रुपये रेट रख दिया, क्या ये सही किया कस्टमर्स के साथ अपने, तो प्लीज़ मेरे को बताना।